कुछ लड़के मुझे हाथों में लेके इधर रश की तरफ ले कर अरे भाई कौन हो आप हेलो दादा केड़ा रील्स बना अच्छा आए हमारे पास तीन तीन सौ फिर हमने देट देट सो वाले बर्गर खाए हम होटल के बाहर बैठे अंदर बहुत एक अलग वाइब थी ने जो है ना पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड में भी ऑडिशन दिया था उसका एक्सपीरियंस रहा हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ़ फील फ्री पॉडकास्ट और आप कह रहे होंगे इरफान भाई आप इतना टाइम बाद गायब हो जाते हैं और उसके बाद आते हैं ये तो अच्छी बात नहीं लेकिन है लेकिन मसरूफियात होती हैं इंसान की और फिर गेस्ट का जो टाइम्स के जो ले बड़ा टफ़ होता है तो उनसे टाइम लेना फिर उनका थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है फिर वो माशाल्लाह से आते हैं और उसके बाद इंटरव्यू होता है तो इस चीज़ में प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है और वैसे भी जब हमारी पॉडकास्ट है इंशाल्लाह ऊपर जाती जाएगी तो फिर उस हिसाब से मैनेज भी होती जाएगी आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बड़े ही कमाल के सिंगर हैं और आजकल वायरल सेंसेशन बने हुए हैं हमारे सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं और कमाल का गाते हैं बाकी कौन है क्या है सब उन्हीं से सुनेंगे क्योंकि ये पॉडकास्ट है बहुत सारी कचहरी करते हैं कचहरी मतलब सिंधी में हम कहते हैं बातचीत करना उसको आपने इंग्लिश में पॉडकास्ट बना दिया तो आज हमारे साथ है ज़ैन अलाब्दीन जैन दिन क्या हाल चाल है अहम ठीक ठाक कैसे मेरे जिंदगी बहुत अच्छी बहुत जबरदस्त जैनलाब्दीन माशा आप तो आजकल इंटरनेट पर छाए हुए हैं जी बेहतरीन तरीके से आपके गाने वायरल हो रहे हैं तो सबसे पहले मुझे ये बताओ जेन हु इज जैन जैन कौन है जैन कहाँ से है जैन क्या करता है और म्यूजिक में कैसे आया मैं पहले रहता था गांव में तो बाबा तो आर्मी में थे तो बाबा ने बोला गांव का माहौल सही नहीं था तो इसी अच्छा। वजह से हम आ गए हैदराबाद यहाँ बाबा जॉब भी करते थे आर्मी में ही थे तो हमने यहाँ से स्टडी शुरू की आ, तो यहाँ का कुछ मैं स्कूल में पढ़ता था तो कुछ लोग थे जो गिटार प्ले करते थे मैं वहाँ नाथ पढ़ता था ना अच्छा आ, हाँ आ, तो ये हुआ कि उनके साथ में बैठा थोड़ा आ, थोड़ा सा म्यूजिक सेंस भी थोड़ा ज्यादा था क्योंकि मोबाइल वगैरह में सॉन्ग्स आते थे जब वो आश टू आई थी तुम ही हो तुम ही हो हाँ। लाइक वो फिर आज करता था ना।

ठीक है उम्र क्या थी आपकी उस टाइम उस टाइम में भी पंद्रह साल माशाल्लाह यंग एज में स्टार्ट कर सही सही फिर तो हमने पंद्रह सॉरी तेरह चौदह शायद ही और भी कम हो गए और कम सही सही सही।, सही था। था। तो वहाँ मेरा एक जूनियर था जो गिटार प्ले करता था जिसका नाम था सुजात सुजात वो जो हमारा जो आपके साथ होता है बैंड पे होता है सही सही सुजात तो वो भी वो भी नेट से ही सीख रहा था ना उसको कुछ ही टाइम हुआ था मैं भी विगनर वो भी विगनर तो एक दूसरे को देख देख के हमने यानी मैंने भी कुछ क्लासेस ली यहाँ से मैरान आर्ट्स काउंसिल से हैदराबाद में से, जो मैंने, अभी सिंपा आ गया है जी, जी, म्यूजिक सिखाते हैं बिल्कुल तो खैर वहां से मैंने क्लासेस ली शिजात ने भी ली तो हमने हम दोनों ने म्यूजिक करना स्टार्ट किया तो हमारे जो हमें एक रिदम प्लेयर भी चाहिए था उस टाइम दो की बात है ना सही सही तो हमें एक रिदम प्लेयर चाहिए था जिसमें हमारा एक रिश्तेदार था क्योंकि हमारे कौम में वो एक वो मुगरमान प्ले करते है रिदम का सेंस है मुगरमान क्या होता है मुगरमान मुगरमान हमारी कौम में जो हमारी कल्चरल ठीक है ठीक है तो वो प्ले करते हैं सही है तो खैर वो उनके साथ बजाता था तो उनको म्यूजिक का सेंस था मैंने बोला सरदार आप <laughs> तो तो तो। हम हाँ तो तो हम हमने स्टार्ट किया म्यूजिक तो खैर हमने ऐसे ही स्टार्ट किया तो उसी टाइम कुछ बैंड्स में शौक शौक में आपने हाँ, शुरू कर दिया फिर लोगों को आप इकट्ठा कर बैंड नाम रखना रखने की यही अब आर्मी में थे हाँ तो उनकी तरफ से शक्ति थी माहौल कैसा था कि आप म्यूजिक शौक की हद तक करें और फिर पढ़ाई पे ध्यान दे दोनों का कैसा एक डिसिप्लिन रहता था अच्छा ये आस, ये बचपन होता है ना कि प्रोफेशनली आप लाइफ में कुछ इंजीनियर बन जाओ डॉक्टर बन जाओ यार क्या सिंगर बन रहे हो

थी, सही, सही मैंने पहले वही लिया जो मेरे बजट में भी आ रहा था सही ठीक सही। है अभी तो फिलहाल तो वही प्ले कर रहा हूँ तो मतलब हाँ, ना अच्छा अभी गिटार तो अभी ठीक है हमने सीख लिया पर हम अभी हमारा जो कल्चरल जो म्यूजिक है ना हमारा जो शीदी कम्युनिटी का है ना वो है मुगर रिदम मुझे कहीं भी नहीं पूरे रीजन में एशिया में।, में मुझे नहीं मिलते ना वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए कोई कम है अरबिक म्यूजिक के साथ वो रिजेम्बलेंस करती है हाँ। और वो बड़ी एक एक, एक जो माने वाली जो होती है अच्छा बड़े कहते हैं कि उसका रूहानी सीन है उसका अच्छा तो ये आ, कभी आ, मैं दिखाऊंगा मेरा कुछ ट्रैक्स आने वाले हैं उसमें हम वो प्ले करेंगे मैंने अभी एक ट्रैक भी आ रहा है मारोई ऑफिशियल सॉन्ग है तो उसमें हमने वो चीज़ प्ले की है और वो हम दिखाएंगे भी उसी। अच्छा म्यूजिक स्टार्ट करने से पहले मतलब जब स्टार्ट किया आपने तो आपकी इंस्पिरेशन कौन था कि यार इस सिंगर को मैं सुनता हूँ इस म्यूजिक को मैं फॉलो करता हूँ तो आपने शुरू तो कर दी लेकिन उसके बाद आप एक इंस्पिरेशन रखते है ना कि आप ये सुनना है ये चौन रहा देखना है इस सिंगर को सुनना है वो आप कौन था अच्छा सबसे पहले मैंने मैं अरिजीत को सुनता था बहुत क्योंकि स्टार्ट में वही तो उसकी सॉन्ग से एक अलग वाइब देते थे मुझे तो मुझे सिंधी म्यूज़िक का कुछ भी पता नहीं था मुझे नहीं पसंद ही नहीं थे मुझे सिंधी म्यूजिक अच्छा बिल्कुल बिल्कुल नहीं तब मैं उर्दू ही उर्दू से किया नहीं, था नहीं, फुल से मैंने किया था तो आहिस्ता 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 मैंने कुछ मुझे कुछ सुनाया मेरा एक नाना है मेरे श, आ, उस्ताद भी हैं मेरे मेरे उस्ताद हैं तो उन्होंने मुझे उस्ताद मोहम्मद यूसुफ उस्ताद मोहम्मद जुम्मन इनो को आ, आ, नाना ने बोला इनको सुनो आप थोड़ा मैंने म्यूज़िक सुना ठीक है उनको मैंने गिटार पे ट्राई किया एक अलग वाइब आ रही थी मैंने बोला यार हमारे सिंधी इतने रिच इतने बहुत रिच, रिच म्यूजिक है हमारी कल्चरल म्यूजिक सिंधी बिल्कुल तो मैंने बोला इनको अगर मैं तो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो वो एक आपको एक मतलब एक अच्छी चीज भा गई मतलब आप पसंद भी नहीं करते उसने अपना जादू दिखा दिया देखे वो म्यूजिक अरिजीत को हर कोई गा रहा है ठीक है हाँ, है इनको ना इनको अपने कल्चर को क्यू सिंधी म्यूजिक बहुत अंडर दिक, है आजकल के बच्चों को नहीं पता जितनी उस टाइम पे वो रिच म्यूजिक उनकी मेलोडीज उनका कमा लेकिन वो मीडिया का कसूर है कि उन्होंने उसको दोबारा से उसको अलाइव नहीं किया टीवी चैनल्स पे उसको चला चला के तो फिर क्या हुआ तो खैर मैंने म्यूज़िक करना स्टार्ट किया मैंने आ, पता नहीं कैसे करके आ, मैंने अपने म, मैं, मेरे पास मोबाइल ये शुक्र है कि बाबा एक सपोर्ट करते हैं कि मोबाइल में मैंने कहा बाबा मुझे मोबाइल लेके दे मैंने तब मैंने लिया था शायद कोई एस सिक्स एज जब आया था सैमसंग से तो उसी टाइम मुझे इन चीज़ों का भी शौक हुआ रिकॉर्डिंग का भी शौक़ हुआ तो मैंने रिकॉर्डिंग्स के मैंने कुछ चीजें मुझे चाहिए थी जैसे साउंड कार्ड हो गया लैपटॉप तो घर में पड़ा था माइक हो गया तो मैंने वो माइक वगैरह लिया मोबाइल सेल करके वही जो नया मुझे मिला था आपने में शौक को फॉलो करने मैंने शौक को जद्दोजहद और कोशिश शुरू कर मैंने बहुत बार किया मैंने अपने मोबाइल मैं लेता हूँ वो जस्ट एक इन्वेस्टमेंट होती है हाँ, हाँ। चीज़ बस में आ गई वो मार्केट में दे के भाई पेमेंट दो और जाके गिटार लेकर आओ या माइक लेकर आओ तो मैं पता हाँ। नहीं कैसे करके मैं आ, आ, हमारी एक वो बैठक थी वहाँ हम बैठते थे वहाँ मैं खुद म्यूजिक करता था अभी भी मैं खुद ही कर रहा हूँ तो यही जर्नी है मेरी छुप छुप के मैंने काम सीख तो आपकी सिंधी म्यूजिक से जो इंस्परेशन स्टार्ट हुई मोहम्मद युसु साहब मोहम्मद जुमन साहब तो वहाँ से आप अली भी उसद वहीद अली हो वहाँ से आपने उनको फॉलो करना शुरू किया आपने अपने ट्रैक्स बनाना शुरू किए या आपने सिर्फ उनको भी एक रिक्रिएट करना शुरू किया किस तरीके से ये प्रोसेस आपका आगे बढ़ा अच्छा पहले मैंने ए, उनको ही मैंने वो, कवर्स पहले किए उन पर तो उसके बाद मैंने सोचा मुझे नाना ने भी कुछ शायरीज दी थी ना कुछ शायरी पोइटरी कुछ दी थी तो मैंने उनको कंपोज करना शुरू किया मैंने मैंने सोचा कि मुझे मुझसे नहीं होगा तो एक बंदे ने आ, आ, मुझे नाना ने सुनाया कि यार ये, ये इस बंदे ने ये बड़ा उस्ताद है इसने एक कंपोजिशन की है और ये सुनो आप मैंने सुना और मुझे दुख हुआ यार इतना बड़ा उस्ताद मैं नाम नहीं लेता आ, मैं नाम नहीं लेना चाहता पर इतना अच्छा उस्ताद वो उसकी कंपोजिशन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मैंने वो जिद में उसको और मैं कर गया एक दफा फर्स्ट मेरी कंपोजिशन हुआ मतलब आपने कहा कि यार एक बंदा जिसकी इतनी कमाल का आर्ट है हाँ। और वो लोग तक पहुंचा नहीं है तो आपने उसको अपनी एक वे से पहुंचाया लोगों तक हाँ मैंने यार ये बहुत मतलब एक गलत बात है कि उसको क्रेडिट नहीं मिलता पर ये क्या कर सकते हैं तो दस्तूर है अच्छा उस्ताद वे से कहने को तो बहुत उस्ताद है ठीक है हम? अच्छा हाँ ठीक है तो एक मेरा एक दरवेशी उस्ताद है वो मेरे है नाना जिसको नाम वगैरह उसका कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो वो अपने के साथ बिल्कुल वो अकेला होता है तो मैं वो मेरे नाना ही उसका नाम है उस्ताद सफ़र स्टार्ट सफर जिसने चला जो मेरा एक सॉन्ग जो अभी मशहूर हुआ है मिला है तूंजे इश्क में ताना ना आ रहा है, 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 है यही ठीके? तो गाना है जो दुनिया मुखे दुनियाओं के दीवाने दुनियाओं के दीवाने वस्तार दी कर जो लोगों के दिलों में भा गए हाँ। और लोग रील्स बना रहे और बड़ा ही मतलब उसको एंजॉय करें ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आप इस शायरी का प्रोसेस बताएं नाना ने लिखा था uh, साकी दे जा नवा अज आया मेखाने में मेहमान वा. आगे उस्ताद ने कुछ अलग लिखा था वो अपने साकी मुझे ये जो सुरूर है ना इसके अलग अलग मुझे वो पैमाने थे ठीक, ठीक है अज आया इन मै खाना में मेहमान सही यानी आज हाँ बिल्कुल नहीं नहीं में आयो नहीं कह सकते ना आप आप अगर सूफी की तरफ लेकर हाँ, तो उस तरफ से तो वो अलग ही उसकी तो हमने ये असल में ये सूफी सॉन्ग था हाँ। हमने ये ताना नवा नवा कर दिया क्योंकि आप इसको नया रंग देना चाहते हाँ। दे थे कि नई ऑडियंस भी सुने नई जनरेशन हाँ। भी सुने उस तरीके से अच्छा शुरू वाले जो अल्फाज हैं ना, वो नाना ने लिखे थे और जो नीचे है ना दुनिया मुखे दीवानों मस्तानों थी चवे वो मैनेजर ने लिखे हैं मेरे अच्छा गुलाम सिंह अच्छा अच्छा उसको बहुत ताने मिले इसलिए उसने <laughs> इतने ताने मिले लिरिक्स भी लगा हां बिल्कुल तो वो तो एक बड़ी लेवल के बंदे ने वो लिरिक्स लिखी आपने और उसको कंपोज किया और उसको आपका जो ये गाना है ये मैंने देखा है जो सुना है वो स्लो है थोड़ा हां बिल्कुल अब ये जो दूसरा वर्जन आपने ये चेंजिंग करके आपने गाया किस तरीके से ये वीडियो बनी वायरल हुई इसके बारे में तो बताया आपने ये क्या कहानी थी पूरी ठीक है अच्छा वो हमने वीडियो पोस्ट तो कर दी एवरेज uh, इतना खास उसका नहीं रेस्पॉन्स आया तो हम हमने हम करते हम कोई ओरिजिनल रखते हैं तो उसका लाइव वर्जन लाजमी करते हैं तो ये हमने ऐसे किया कि इस इसके इस जो लाइव हमने किया है ना इसके लिए हम प्रॉपर रेडी नहीं थे जहां हम बैठे थे कराची में मैं थका हुआ था तीन बज रहे थे रात के ये है? तीन बजे की वीडियो है तीन से चार बज रहे थे अभी कराची से हमें आना हैदराबाद वो भी यानी दिमाग में है कि हमें पूछना हैदराबाद कैसे भी करके ये आप शो से आ रहे थे से? हाँ, आ शो से आ रहे सही सही एक शो था वहाँ थे तो वहाँ कुछ दोस्त थे उन्होंने चाय पिलाई तो वहां बैठ गए मैं इतना गला थका हुआ था और मैंने जिद में गाया ये ये जुनून से क्या हमारा ये जुनून में है हमारा ये ऐसा हम फिर नहीं कर सके अभी आप कहते हैं ना एक चीज जब नेचुरली आपकी ड्राइव हो जाती है वो इतना पता भी नहीं था कि ये इतनी चली जाएगी इतनी चलेगी ठीक है इतना यानी इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे आइडिया भी नहीं था मैंने यही बोला मैंने जो आ, मेरा दोस्त ही है सारे लड़के तबाह लगे बड़े <laughs> नहीं भाई मैं तो करूँगा अच्छा ये उसने पोस्ट की अच्छा अच्छा हुआ है मैं मना करता हूँ वो पोस्ट कर देता है देखा देखा मना कर मुझे उसका वो सेंस काम कर जाता है कि भी ये वायरल हो क्योंकि वायरल होना तो मतलब एक कुदरती बात हाँ। है अगर किसी को दिल में वो चीज भाग जाती है तो वो शेयर भी करता है जो वायरल होना शुरू हुए तो उसके बाद जो रिएक्शन था पब्लिक का वो किस तरीके से था प्यार भी मिला और शोज कैसे क्या सीन हुआ इसके बारे में थोड़ा पब्लिक का रिएक्शन क्या था नहीं अभी तो इनबॉक्स भर गया था यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा बताया ना ठीक है हाँ, ठीक तो है मजेदार इंसिडेंट जो हुआ था इसके बाद अच्छा अभी ये कि बहुत अभी अच्छे इज्जत देते लोग बड़ी इज्जत देते माशाल्लाह डिजर्व यू यू डिजर्व माशावर्व तो, पर कई हमारे साथ सीन्स भी होते हैं कई ऐसे यानी मिसाल के बाद मैंने लाउती में परफॉर्म किया मैं जैसे निकला कुछ लड़के मुझे हाथों में लेके इधर की तरफ अरे भाई कौन हो आप यार एक तस्वीर खींचवानी है बस यही सोचता हूँ की कोई नाराज ना हो ठीक है कोई ऐसा फैन ना हो जो यार ये लोगों को थोड़ी समझ बस अभी बंदा डाउन रोड था लेकिन हर किसी एक बाउंड्रीज होती है आपको इसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए अगर वो बंदा आपको अच्छा एक क्या कहते हैं रिस्पॉन्स देता है तो आप उसको भी उस तरीके भी। ये नहीं कि भाई भाई अगर हम तीन चार बार देखने को मिला हमारा दोस्त सीन है फिर यार जेन तो मेरा बहुत अच्छा अब जरा मुझे बताए अपने इतिहाद बैंड के बारे में इतहाद नाम कैसे बड़ा इसमें कितने बैंड हैं फर्स्ट टाइम कब परफॉर्म किया और सिंक्रोनाइजेशन आपकी कैसे स्टार्ट हुई इस चीज की ठीक है अच्छा ये हमारे बैंड में हैं तकरीबन पाँच सात मेंबर में। कौन कौन है नाम भी बताएं और उनके इंस्ट्रूमेंट्स भी बताएं ठीक है।, है एक सरदार है जो फैज जो दरबुगा प्ले करता है ठीक है स्टेज पे भी आपने देखा होगा जी जी तो दूसरा है शुजात सोमरू जो एकोस्टिक गिटार रिदम गिटारिस्ट है थर्ड है हैरिसन विक्टर जो बेसिस्ट है आ उसके अलावा भाई है वो जो काउन केजॉन क्लैप सारा ये बोलते हैं इनको तो वो प्ले करता है ठीक है तो गुलाम सुमरू जो मैनेजर है इवेंट मैनेजर ठीक है तो बस ये यहाँ सर पहले आप शोज करते थे उसके बाद आप वायरल हुए फिर आपको शोज के फोन आने शुरू हुए और फोन जैसे भी आते हैं कोई पूछते रहते हैं पूछते रहते हैं तो इन सारी चीजों को कैसे

दोस्तों के दोस्तों से लेकर मेरे जैसे <laughs> खैर ये सीन्स होते हैं अभी क्या सीन हुआ कुछ दिन पहले ऐसे सीन्स होते रहते हैं जो मुझे याद है मैं वो बता रहा हूँ रात के टाइम तीन बज रहे हैं हाँ आ, हम यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे थे वो गुलाम ला भी बैठा था तो उसको कॉल आई हेलो दादा कैडा हाल ठीक ठाक मजे में अच्छा वो बंदा बिल्कुल टोन था बिल्कुल होश नहीं थे उसके भाचो जल्दी सा ताजे خدمت कयो अस लाइक ऐसे बिल्कुल यानी वो वो अपनी एक मस्ती में आ रहा था ना आ, हम ये आपको बड़ी प्रोटोकॉल देंगे या आपको डाला लेने आएगा लाइक सर सच ये ये बहुत होता रहता है ऐसे होता तो ये सही है आप अच्छा, अच्छा अच्छा दूसरी बात दूसरी बात मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता पर वो यानी यानी एक बड़ी पार्टी है अभी जो चल रहा है इलेक्शन वाला ऐसी हाँ हाँ। भी कॉल हमें आ चुकी है एम पी एम एन एस की भी कॉल आ चुके हैं हमारे पास बिल्कुल हमने सीधा जवाब नहीं क्या कॉल करके क्या कहते हैं कि आप हमारे नहीं आपको बस डायरेक्ट आपको कल गाड़ी लेने आएगी ऐसी कॉल्स आ चुकी हैं आपको कल गाड़ी आपके डेट पे आएगी और आपको पूछना है अच्छा मैं परेशान मैं परेशान तो कोई भी भाई हम परेशान नहीं होते ठीक नहीं हमने बोला आ, भाई हमें नहीं आना सॉरी कॉल काट कॉल बस खत्म उसके बाद कोई तंग शिंग तो नहीं करते नहीं नहीं तंग क्यों करेंगे भाई नहीं होते ना कुछ हमारा भी खून करा है हम भी उसको नहीं बहुत ही आपको सुन चाहने वाले भी होंगे होंगे कुछ आपको बुलाएंगे आपको सुनने के लिए कुछ बुलाएंगे आपको नीचे नीचे तो वो बड़ी ना परख आपको देखनी पड़ती है हर मामले में की कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है तो एक और इंटरव्यू में इस, इस इस जो ये आपको हैं तो आप अपने बाबा के साथ सारी चीजें शेयर करते हैं वो नहीं नहीं मैं करता हूँ वो हंसता है बहुत खुश होता है वो वो। असल में वो बड़े स्टैच मैं अभी भी सूफी करता हूँ मैं सूफी म्यूजिक तो ये वजह भी बाबा की यानी बाबा नहीं मुझे वो शायरी देते हैं बाबा तो उनको मैं पढ़ के समझ के बाबा समझाते हैं मुझे जो भी चला यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको अपने पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे तभी क्योंकि ये पाकिस्तान में ये म्यूजिक को थोड़ा वो समझा जाता है कि यार ये म्यूजिक के चीजें तो वो उस पर हम नहीं जाएंगे नहीं। वो अलग ही है ना लेकिन कम लोग जो है ना इस चीज को सर पाते हैं और आप माशा इतनी अच्छी लेवल पे इस चीज़ को परसूव कर रहे हैं और पेरेंट्स करते बहुत अच्छी बात है तो पहला शो कब था कब किया कैसे एक्सपीरियंस रहा क्या था अच्छा पहला आपको कैसे बताऊं सबसे पहला सबसे पहला जो आप स्टेज पे चढ़े हो और आपने ये कहा एक्सपीरियंस तो, अच्छा, हाँ, आप ऐसे किए मैं नाथ कॉम्पिटिशन करता था तो उसके, उसके बाद जो जब मैं म्यूजिक में आया ना इतना मुश्किल फिर से मुझे ना तो खैर मैं फर्स्ट अपनी वो बताऊ कि मैंने पैसे कितने लिए थे कॉन्सर्ट के हाँ ये बताए ना ऑडियंस <laughs> को पता चले कि जैन भाई कितना खर्चा करवाते हैं हाँ बिल्कुल मैंने हमने लिए थे तकरीबन उस टाइम एक इवेंट के हमने लिए थे पंद्रह सौ ये कौन सा दौर था मतलब कौन से इयर्स थे ये 2018-19 की बात 18 उन्नीस में अभी की ये अपने दिल से लिए थे या उनकी तरह से डिमांड थी पंद्रह सौ यार हमने तो ज्यादा बताया तो उतार उतार के मैंने बोला चल ठीक है पेमेंट तो कर रहे हैं ना चलो आर्टिस्ट की वैल्यू यार आ, बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट होते हैं हाँ तो खैर हमने इवेंट के पंद्रह सौ में हमने वो कैसे पंद्रह सौ कहाँ बचते हैं और हमारी पॉकेट मनी फाइव हंड्रेड वैसे नॉर्मल उस टाइम खत्म पाँच वैसे ही मिलते थे ठीक है तो खैर सीन ये हुआ कि हमने तीन तीन डिवाइड किए आए हमारे पास तीन तीन सौ फिर हमने डेढ़ डेढ़ सौ वाले बर्गर खाए एक चाय पी और ये खुशी अलग थी खत्म एक अलग खुशी थी, थी। क्योंकि घर से अलग मिले ना एक हलाल की कमाई है फर्स्ट टाइम आपने अर्न किया और उसके फुल नो ये देखिए आपने ईद के दिनों चश्मा पहना होता है भी था। तो उसके बाद कंटिन्यूटी कैसे रही स्टेज शोज की यहाँ पर वायरल होने से पहले के स्टेज शो की कंटिन्यूटी कैसी थी उसके बाद कैसी थी कंटिन्यूटी मतलब अच्छा, शोज आना शोज़ आना ठीक है अच्छा पहले ये सीन था कि हमें हम स्टेज पे ऑर्गेनाइजर्स तो पहचानते थे क्योंकि हम पोस्ट करते रहते थे हां थोड़ी ज्यादा चलती थी हमारी वीडियोस ना तो ऑर्गेनाइजर्स जो है ना वो पहचानते थे हमें ऑडियंस को पता ही नहीं है ये कौन सा बैंड है ठीक है हां किसी को भी नहीं पता कोई हल्ला गुला कुछ भी नहीं है मिनटर रो रहे हैं सुकून लगा पड़ा है वो कोई उधर से चम्मच खा रहा है कोई वहाँ से रोटी खा रहा है यही चीज हम आते थे किसी को पता ही नहीं था वोकलिस्ट में अच्छा जैन भाई मुझे ये बताएं कि आपके मैंने नोट किया है कि जो मेन स्ट्रीम गाने होते हैं उससे ज्यादा आपकी लाइव वीडियो चल रही होती है इसकी क्या वजह है कोई खास कोई मैजिक शेजिक है या ऑडियंस को आपकी वही चीज पसंद आती है अच्छा हम आ, हमने अपने म्यूज़िक पे जो लाइव जो मैं रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग्स जो करता हूँ ना एक वीएसटीज होती है वहाँ हम मैं लाइव म्यूज़िक जो हमारा है ना वो लाइव रिकॉर्ड नहीं करता ना अभी मैंने करना वो भी शुरू कर दिया सही वजह है कि हमारा लाइव वर्जन ज़्यादा चलता है रिकॉर्डेड से ठीक है वो एक या तो आप अलग ही धुन में होते हैं और उस वक्त कोई टेंशन नहीं होती और आप गाते जाते हैं <laughs> क्योंकि होता है ऐसा ना आप एक मखसूस काम के लिए जब बैठते हैं तो उस पर लेकिन आप अपनी मस्त चल रहे हैं और उधर गाना भी गा रहे हैं तो उधर माइंड जो है ना असल में हम होते ही तफरी में है ना अच्छा एक तफरी एक अलग वाइब में हम होते हैं म्यूजिक भी सूफी उसको समझाना अच्छा इसके इस रिकॉर्डिंग से पहले हम एक बड़ा झगड़ा होता है पहले यानी हर किसी को समझाता हूं मैं फिर कोई भी गलत गलत बजाता है वीडियो बस बंद भाई तो अच्छा ये सारी इंस्ट्रक्शन आप देते हैं इनको हाँ सारे हमें ही देता हूँ दे हाँ, 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 सारे करते हैं एक दूसरे को समझाते हैं इतनो, इतना इतना उनको भी पता है कि कहा कहां किसने गलती की है ऐसा ऐसा उनको भी पता चल गया तो वो इम्प्रोवाइज करते हैं करते हैं तो खैर और ये साकी तो हमने ऐसे ही कर दी ये वन टेक में ये पूरा ये सारा करता रहा करता रहा एक जुनून में मैंने बोला अब असल में कोई जगह अच्छा ये हम होटल के बाहर बैठे अंदर बहुत एक अलग वाइब थी जिस होटल में हम बैठे हैं ना ये ताना नवा नवा जो चली हाँ अंदर एक अलग वाइब थी वहाँ म्यूजिक चल रहा था यानी स्पीकर लगे हुए थे पर अंदर रश भी थी मैंने बोला अब मैं कम्फर्ट नहीं होता है रश में मैं अच्छा। पर हम बाहर जहा पीछे देखे कैबिन बाहर पार पार्किंग वाले एरिया में बैठे हुए सही भी ना तो वहाँ हम बैठ गए और वहाँ उनको बोला कि भाई यहाँ हमें कुर्सियाँ लगा के दो तो, तो वहाँ एक थके हुए भी थे हमें पहुँचना भी था और जिद में ये मैंने गाया मैंने बोला अब जितनी स्पीड पकड़ो और जितना जल्दी हो सके ख़त्म करो क्योंकि मुझे मैनेजर ने कह दिया था कि ये सॉन्ग करना है मुझे पता है वो नाराज़ हो जाए वो अगर नाराज़ हो गया ना फिर मेरे लिए मसला हो जाएगा फिर हैदराबाद तक वो मुझे सुनाता रहेगा सुनाता रहेगा मैं सुकून में सोना चाहता था बस ये वजह थे बाप ने कहा भाई मेरे जैसे आप बोलेंगे तो वो तो करेंगे बस मेरी हाँ तो लोगों बॉयस को मैंने बोला भाई जल्दी से और रिदम बढ़ाओ और खत्म करना है इसको अच्छा ये खास बनवाया है आपने मैनेजर आपके मैनेजर ने आपसे गाना कि ये बनाओ हाँ ये उसी ने उसी ने आगे उसने ही लिखा ना मुझे सार, सारा कुछ आपका वो मैनेजर जो आपका नाम क्या बताया था आपने आ, गुलाम उल्ला गुलाम संभालता है सारी आ, तो जो मतलब एक स्टेज का सीन है वो भी सारा वही संभालता है वही सारा मैनेज करना साउंड देखना सोशल मीडिया जो मैनेजर है ना वो एक अलग है वो गुलाम खपाई है बड़ा अच्छा हाँ जो वहाँ जो किसी के तो लॉन्च है ना फुल इंडस्ट्री लेवल सेटिंग बनाई हुई है अच्छा ये उनके आइडियाज उनके बड़े भाई से आइडियाज मिले हमें कुछ भी हमारे ये शुक्र है हमारे साथ ऐसे लड़के हैं ऐसे बॉयज हैं जो सच्चाई से अभी भी चलते हैं हालांकि वो उनका गुलाम का भाई एक अच्छे यानी एक अच्छी जॉब करता है वो वहाँ से ऑफिस में भी बैठ रिप्लाई करता रहता है बहुत बहुत किस्मत है आपको ऐसे लोग मिले जो हर चीज तभी तो हमने ना तो इतिहाद नाम इसी वजह से तो हमने रखा इतिहाद का मकसद अच्छा ये आपने बताया नहीं मुझे इतिहाद का मकसद यही था कि हर एक बंदा आपके साथ प्रॉपरली चल रहा है हर चीज में हेल्प कर रहा है इस वजह से बैंड का नाम इतिहाद बिल्कुल सही है अच्छा इनका आ, हमने नाम इसीलिए रखा मैंने शुरू में मैं एक्सप्लोर करता रहा नया म्यूजिक करना है तो इसी हवाले से सर्च करता रहता था तो मैंने ये भी देखा कि कई बड़े बड़े बैंड्स टूट गए वो नहीं चले इतना टाइम नहीं चले तो जैसे टूट गए तो हम नहीं गए मैं मैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता बहुत है वैसे तो वो टूट गए तो आप क्या रहे? रहे बोला यार नाम कोई ऐसा होना चाहिए और ओ ओ, ओ, ओ हर किसी को यानी हम देंगे वो अपने आइडियाज शेयर कर सके हमारे से हमसे यानी मिसाल की बात है कोई दरबोगा प्ले कर रहा है वो भी

जैसे आप भी कभी कभी एक्सपीरियंस करते होंगे लड़ाई yeah, हाँ झगड़े होते हैं हाँ पे कुछ होते हैं तो उसको टैकल कैसे करते हैं उसको कैसे लेके चलते हैं आप सबसे बड़े नहीं मतलब आप समझते ना सारी चीजों को सही तो क्या वजुहत होती है और आप कैसे इसको टैकल करते हैं अच्छा जो बाबा बोलता है जो बड़ा होता है ना उसकी जो वो जहाँ बैठा होता है ना जिस सीट पे बड़ी जो बड़े तख्त पे बैठा होता है ना उसके नीचे किल लगे होते हैं यानी उसको पता नहीं है उसके ऊपर कितना वजन है उसको कॉम्प्रोमाइज करना वो उसका ये उस बात नहीं दी। है। उसका यानी वो उसको कई चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है मिसाल के बाद कोई न, आ, हमारा सरदार नहीं आया सूफी नहीं आया तो मुझे यहाँ मौजूद होना है कोई भी मसला हो जाए मुझे यहाँ लड़कों को बुलाना है उनसे मसले मुझे पूछने कई मसले होते हैं हमारे बैंड में यानी मैं उनसे पूछता हूँ भाई मैं अलग उसको अकेले में पूछता हूँ क्या मसला है मुझे बता। मैं उसको हल कर सकता हूँ तो मैं सही तो ऐसे ही मैं बनाता चलता हूँ मैं यार खैर दर्द बहुत है ठीक है हाँ हम दूसरों को राजी करने में है बस यही सीन है आप कहते हैं जो चीज बेहतर चल रही है उसको अच्छे अच्छे तरीके से चला चलाया, चलाया जाए नहीं ये बहुत अच्छी खासियत है कि इन हमारी दुआ है कि आपका और आगे जाए अच्छा अभी जो एक छोटी स्टेज से फिर बड़ी स्टेज पे आना उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा और ऑडियंस आपको किस तरह की मिलती है स्टेज पे चैलेंजेस आपने लास्ट लाउटी में देखा कि एक दो बैंड के साथ क्या हुआ जो कि मेरी नज़र में बहुत गलत हुआ कि जिस शहर में जिस आवाम को इतना बड़ा स्टेज मिल रहा है मैं सीधा सीधे बात करूंगा हैदराबाद के लोगों अगर आपको एक आर्टिस्ट वो कितनी दूर से आ रहा है उसने आपको रेस्पेक्ट दी तो आप उसको रेस्पेक्ट दें दे, दे आर्टिस्ट का सारा दारोमदार ऑडियंस पे होता है सही बात तो अब आप अपना एक्सपीरियंस बताए कैसा रहा और इस मामले में आपकी क्या राय है कि ये सब क्यों हुआ क्यों ना होना चाहिए इसके बारे में बताया यार एक तो पहले बात जो बताए छोटी स्टेज से बड़ी स्टेज का दोनों का एक्सपीरियंस कैसा होता है अच्छा छोटी छोटी स्टेज में हमने बहुत एक एक्सपीरियंस जो खतरनाक वाला होता है जो आपको सीखने को मिलता है वो मिलता है आपको छोटी स्टेज अच्छा बड़ी स्टेज पे तो सीन ऑन है आपको कोई भी इशू नहीं है आपके पास यानी बड़ा स्टेज बड़े बड़ा साउंड सेटअप लगा हुआ है आप, आपके पास हर चीज यानि मौजूद है वो जो आ, वो मिक्स कर रहा है जो साउंड सेट कर रहा है वो भी एक बड़ा खतरनाक बंदा है वहां तो ईजी तो है वहां मजा आएगा एक एक आपको अलग मुझे जब मिला ना बड़ा स्टेज मुझे टेंशन नहीं थी पहला स्टेज कौन सा था बड़ा आपका यार बड़ा देखा जाए से पहले भी था एक कराची पहला तो पोर्ट ग्रैंड में था सही पोर्ट ग्रैंड में एक कल्चर डिपार्टमेंट वालों का था तो वो भी बड़ा स्टेज था उसके बाद जो हमें उससे बड़ा मिला जो तो वो था कराची फीस माशा कराची वो भी कल्चर वालों ने हमें दिया था उसके बाद जो कल्चर से हटके हमें जो मिला था वो उसके बाद था कराची ईट ईट फूड फेस्टिवल जो होता है वो ये तो सिंध का बहुत बड़ा फेस्टिवल है तो ये बड़ा बिल्कुल वहां भी हमने परफॉर्म एक अलग यार बस वहा देखिए बड़ा स्टेज ये आप बस ऊपर कुछ भी करें

ये रिस्क लेते हैं भी हम वहा हम कमर्शियल करके क्या फायदा हमारा हमारे म्यूजिक करने का कुछ तो अलग करें यार पूरी दुनिया कर रही है कवर्स पूरी दुनिया कर रही है वही ना अपने ओरिजिनल्स तो फेंको आपकी जो अपनी पहचान है जिससे अब ये गाना जो आपका ओरिजिनल है साकिदरू अब आपकी पहचान आपके ओरिजिनल से हाँ बिल्कुल बिल्कुल अगर आप अपने ओरिजिनल छोड़ के कवर्स करेंगे तो फिर यार ये तो फिर किसी और की आवाज सकते अच्छा कराची ईड में ये ये सीनवा के जो ऑडियंस खड़ी थी मैंने बोला बस ठीक है अल्ले करूंगा दम मस्त कलंदर करूँगा वो तो सुना हुआ है तो मुझे फिर वही आ गया मैनेजर मेरा वह वही करना है अपना <laughs> <laughs> तो मैंने मुझे इतना आइडिया नहीं था कि आवाम तो उर्दू स्पीकिंग थी ना मुझे आइडिया सर म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती मैंने ये नोट किया है ने? मेरे को जैसे भी दोस्तें कहते यार यार ये देखो सिंधी गाना तुम्हारा कितना कम हल्का है तो चलो वही वही मुझे वहाँ ही पता चला कि म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती तो मैंने जैसे आ, मेरी साकी की रिदम जैसे प्ले हुए ना जैसे स्टार्ट की मुझे सुनने में आया कि ऑडियंस को शायद सुना हुआ है शायद तो मैंने जब आलाप लिया ना तो उसके बाद जैसे मैंने साकी गाया ना तो सारी आवाज़ मेरे साथ मैं खुद परेशान मैं खुद परेशान क्या हो गया क्योंकि सिंधियों में बैठ के मुझे समझ में आता है कि इनको सुना हुआ है पे तो किस्म के बंदे होते हाँ, हैं अगर कोई ना भी समझे हाँ। उसके साथ में कोई सिंधी बैठा हो उसको समझा रहा है मतलब हमें पता नहीं है बस ये अल्लाह जो हमने मेहनत की है उसका इजर अल्लाह ने दिया है हमें और मैं हम शुक्र अदा करते हैं उनका और हम आगे भी हम कर रहे हैं काम कुछ और नई चीजें बाकी जो बाकी जो अल्लाह की मर्जी रही हम तो कर रहे हैं अच्छा ये सबसे बड़ा स्टेज था कराची करा हाउ वाज योर एक्सपीरियंस यंस थी शुरू से लेके अभी तक और कितनों में परफॉर्म किया और सबसे इम्पेक्टफुल आपका कौन सा रहा है? आपके अपने शहर लाहुती में जो आप कहते हैं कि ये इम्पेक्टफुल शो था हमारा यार ये फुल मजा आ गया इसमें लाहौती लाहौती में मुझे मजा आया बहुत मजा आया जो मैंने एक तो वो अच्छा लाहौती का सीन ये था ना मेरा उससे आपको भी पता होगा बिल्कुल बिल्कुल आप हाँ मैंने देख हाँ, बिल्कुल। स्टार्ट किया है अप्रोच कैसे किया लाहौती ने आपको और ये भी थोड़ा प्रोसेस बताया ना हमें अप्रोच हमें सैफ की वाइफ ने किया सना सना ने किया तो शायद उन्होंने बताया उन्होंने यही कहा कि आ, 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 आप आपका बैंड हमें पसंद है तो आप परफॉर्म आप फ्री हैं बीस तारीख को बीस जनवरी था ठीक था तो आ, हमने बोला हाँ बिल्कुल हाँ, हम कैसे मना कर सकते इतना तो बड़ा अंदर से इतना खुश हो रहे थे <laughs> अच्छा बड़ी बात है हमने अच्छा उन्होंने बोला डिसाइड नहीं हुआ कि आपका बड़ा स्टेज है छोटा आपको देंगे ये हमने नहीं सोचा तो गुलाम लल्ला ने कहा कि हम दो बार परफॉर्म कर चुके हैं इस दफ़े तो हमें मेन स्टेज थे सही तो उन्होंने बोला ये पता नहीं मैं आपको बताऊँगी तो एक दिन बाद उन्होंने बोला सेफ बैठा है रानी बाग जहाँ वेन्यू है का वहाँ आप जाके पहुँचे हम सैफ के पास गए रानी बाग में वो सारा देख रहे थे ना कहाँ स्टेज लगाना है कैसे करना है तो वो बात कर रहे थे हम भी साइड में खड़े हुए थे वो फिर वो सैफ जैसे बैठा कुर्सियों पे तो हमें कॉल की हम साइड पे ही खड़े हो गए ना क्योंकि हमने सोचा वहाँ उनके साथ टीम है हम क्यों उनके पीछे पीछे जाएं अच्छा भी नहीं लगता अच्छा। है नो ठीक ठीक बताए बताए वो यंग को भी सपोर्ट करते हैं तो खैर उन्होंने कॉल की हम फिर गए सामने ही बैठे थे तो हम गए उन्होंने बोला क्या मसला है हमने बोला कि हमें मेन स्टेज इस दफा हमें अगर वो देंगे तो आ, अच्छा होगा वरना आप जैसे भी कहेंगे छोटा भी कहेंगे हम परफॉर्म करेंगे कोई इशू नहीं उन्होंने बोला आपको किसने मना किया है हाँ भाई ये अपना लागत ही अपना स्टेज है परफॉर्म करें कोई मसला नहीं ओ इतना खुश <laughs> मैं तो और उस टाइम तो मैं थोड़ा सीरियस था थोड़ा सैड पे हुआ है। इतना खुश हुआ हम गले मिल रहे मैं और मैनेजर खैर नहीं यार ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है काफी ऐसे आर्टिस्ट हैं जो लाहौती के लिए कहते हैं कि हमें ये स्टेज चाहिए बिल्कुल मैंने, सुन, मैंने सुना है ये शायद सही बात हो पे कहता है कि मुझे लाहौती का स्टेज चाहिए मैंने सुना है असरार शाह भी चाहता है कि मुझे लाहौती के स्टेज में परफॉर्म कर शाह हैदराबाद का ही है लेकिन देखे ना लाहौती को इतना डाइवर्स बना दिया है सेफ भाई ने उसमें फूड स्टॉल म्यूजिक म्यूजिक का फेस्टिवल बहुत कम हो गया है, हैदराबाद में अगर ऐसा फेस्टिवल मिल रहा है लोगों को तो फिर मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ उसको रेस्पेक्ट दे रेस्पेक्ट बिल्कुल अपनी ऑडियंस को रेस्पेक्ट थे अपने आर्टिस्ट को रेस्पेक्ट थे एटलीस्ट जो कितने दूर से यार यारे भाई मैनेज करके उनको यहाँ तक ला रहे हैं पहले कौन आता था हैदराबाद में कौन आता कोई भी नहीं कोई भी नहीं, भी नहीं आता था अब आते हैं तो सिर्फ उनको पता है कि यार एक लाहौती कमाल का फेस्टिवल है तो उसको उस तरीके से रेस्पेक्ट देनी चाहिए हैदराबाद की वहाँ को खास अपी रही है क्योंकि लास्ट टाइम ठीक भाता है सर सीन कुछ हम दूसरी भी वजह हो सकती है ना तो मुझे यही लगता है कि वहाँ फ्री फ्री जो फ्री इंट्री थी वो जो हर कोई आ गया सी सी पे तो ये भी इसका भी हाँ वो क्या एक इमिटेशन होती है तो माँग माँग है तो उसका अलग ही शोर नहीं है उमाम में पता नहीं कैसे लोग आ गए फैमिलीज बैठी हैं उनको उनका है नहीं बिल्कुल मुझे दुख हुआ पर्सनली मैंने बोला यार उस दरवेश ने इतना इवेंट बड़ा करवाया और ये खैर फिर भी अच्छा हुआ जेन भाई मैंने सुना था कि आपने जो है ना पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड में भी ऑडिशन दिया था उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा अरे क्या <laughs> उसका तो बड़ा खतरनाक एक्सपीरियंस अच्छा वो तो मैं भूल गया वो तो पूरा मैं वो पूरी जर्नी बताया कि ऐसे तो तो आपने तो भाई वो तकरीबन बताने में बहुत टाइम लग जाएगा हाँ हाँ कोई बात हमारे बहुत टाइम है हाँ अच्छा हमारा एक गिटारिस्ट था जिसका नाम था राहुल रॉय शुरू में जब हमने शुरू था। किया था। तो पढ़ाई, पढ़ाई सुना होगा बड़े बाल थे उसके नहीं नहीं चलो ठीक है वो फिर सर्च कर लेंगे बच्चा था हमारे वो अभी भी ही है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है तो उसने फॉर्म फिल कर दिया हमें बताया नहीं हमने बैंड अभी हमने वो उसको आए हम यानी हमारा बैंड बने अभी महीना भी नहीं हुआ हमने जैम भी खास हम जैम खास तो करोनाइज ही नहीं हुए अभी सही से उसने वो आया भाई ये आ गए हैं ऑडिशंस के फॉर्म में फिल कर रहा हूँ मैं तुम्हारा बस एन आई सी एन आई सी दो सब के दो ये वो आ, हमने फिल भी कर दिया उन्होंने हमें बुला भी लिया हम चले गए कराची कराची जैसे जो बेस्ट रॉक कैफे था अभी भी मुझे याद है डिफेंस में पता नहीं खयाबाने कौन से में था खयाबाने इत्तेहा बहुत तो लंबा सीन है हाँ वो तो बहुत खयाबान भी बहुत है ना कितने <laughs> <गिर रहे है। laughs> कौन सा खयाबान था तो याद नहीं ये कब एक कौन से वाले एडिशन में आप गए थे ये 2018 19 की बात है अच्छा 18 पहली एडिशन थी थी आपको मैं मैंने बताया ना मैंने फर्स्ट इवेंट जो किया था 2018 में किया था इसी बीच में हमने हम अच्छा, चा, 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 सी, सी, सी। तो हम अच्छा 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 तो गए वहाँ ऑडिशन दिया ऑडिशन क्या उसका स्टूडियो में देख के परेशान हो गया पता नहीं क्या सामान पड़ा था खैर हमने किया वो आपको लग रहा होगा ना मैं जान एक, तो एक, एक बंदा आया था एक बंदा आया ऐसे ही मैकबुक था उसके पास आगे वो कुछ ऐसे कर रहा था मैं कैसे गा रहा हूँ अच्छा ऑडिशन हुई थी पहले नहीं फर्स्ट ये ऐसा हाँ पहले ऐसे ही वो जो ऐसे सुनते हैं कि ये आगे इसको में जाए नहीं, इतना बर, गा रहा हूँ पता है मेरे हाथ में मोबाइल है और मैं शायरी ऐसे पढ़ रहा हूँ और माइक पे और मेरा जो दूसरा वो कल्श था मेरा भी था एक दोस्त आएंगे बस तो ऐसी मस्ती करने के ना आते हैं तो खैर हमने किया तो उन्होंने आखिर में ये बता गलतियाँ हुई वो वहाँ बहुत उन्होंने बोला भाई कुछ गलतियाँ उन्होंने बताई हमें ठीक है कि ये आपने मोबाइल लेकर आप ये कर रहे हैं लाइजेंस नहीं, नहीं चाहिए सही नहीं है बिल्कुल तो कुछ चीज़ें उन्होंने समझाई और उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया हमसे यानी उसमें कुछ लिखा हुआ था खैर इसको छोड़ें बहुत लंबी हो जाएगी खैर उन्होंने बोला अब हम कॉल करेंगे आपको फिर हम चले गए हैदराबाद खुशी हुई या फिर तो आप तफरी में ही गए नहीं वहाँ अच्छा उन उनके बंदों ने बताया यहाँ दूसरे पे ऑडिशन देने आए थे वो घूम रहे थे पूरा यहाँ कभी वो इलेक्ट्रिक गिटारिस्ट यहाँ जा रहा है कभी वो वहाँ जा रहा है तबाही कर रहे हैं ये क्या है यार आपने क्या कर दिया अरे इतनी फील हो रही थी हमें

हम डिफेंस खयाबान इतहादेद इतहादान हाँ ये तो याद है सही आ, हाँ उधर कोई एक बंगला था उनका गेस्ट हाउस था सही है ता, वो जैसे हम अंदर गए तो अभी ऑडिशन नहीं हो रहा है। अभी वो दे रहे कि अब अब आपको हफ्ता यहाँ रहना है हफ्ता यहाँ ही रहना है अलग अलग बैंड्स की ऑडिशंस होंगी हंड्रेड प्लस बैंड्स थे वहाँ तो उन्होंने उनके साथ अकोमोडेशन की थी हाँ बिल्कुल सर नाइस हम गए हम जैसे गुसे बच्चे थे हम तो यार बिल्कुल या बच्चे थे हमें देखो हां वो सब ऐसे यार ये ये क्यों यार ये तो हम जैसे गुसे ऊपर हमारा रूम बताया गया इस साइड है हम अंदर घुसे पहले तो खुश हो रहे हैं इतने बंदों को हमने नहीं देखा क्योंकि इतने नहीं थे दिन के टाइम वो शायद वो आर्टिस्ट है रात को जागते हैं सारे हाँ हम तो, तो सुबह उठने वाले छे सात बजे स्कूल जाने वाले <laughs> छुट्टी में आए थे फिर भी सुबह सवेरे हम तो एकदम से उसी रात हम खुश हो रहे हैं वहां अंदर साउ डांस कर रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं जैमिंग नहीं कर रहे हैं हम डांस कर रहे <laughs> फरमाइश कर रहे हमें पिज्जा चाहिए हमें जिगर बर्गर खिला दो अच्छा वो हमारे पास आ रहा है बिल्कुल आ रहा है वो तो है। तो आ रहे तो लग्जरी लाइफ है मजा है अलग वाइब थी वहाँ इज्जत फिलस हो गई तो हम भी खैर सही वहाँ हमने जैसे रात हुई रात के तकरीबन नौ दस दस ग्यारह बजे तो एकदम से खतरनाक म्यूजिक की एक आवाज है ना यानी जैमिंग की मैं परेशानी क्या हो रहा है हम सो रहे हैं एकदम से उठे इससे बाहर ऐसे दरवाजा खोला सेकंड फ्लोर पे हम थे ना दरवाजा खोला ने बोलो ओ ही इतने बड़े बाल इतनी दाढ़ी इतनी बड़ी हम खुद परेशानी क्या हो रहा है तो दुख में बदल ऐसे ऐसा करना क्या हमें वो लोग हाँ वो लोग ऐसे परेशान क्या है? बच्चे ये भी है क्या हाँ यार हम गरीब है, है। उन्होंने बोला कुछ सुना हो नहीं वही यार सुना है <laughs> हाँ हा, <laughs> हा, बिल्कुल तो एक बैंड था मुझे उनका नाम अब अभी तक याद नहीं है शायद वो दूसरे बॉयज को याद होगा वो इतने नाइस बंदे थे सारे खतरनाक यानी जैसे बोले न जिन म्यूजिक के जिन ना। वो, वो थे तो उन्होंने बहुत रेस्पेक्ट दी वो जैम करते थे कचहरी करते थे तफरी करते थे सूफी बंदे थे पंजाब साइड के थे तो उनका खैर दो तीन, तीन दिन ये जरे, उनका उ, उनके ऑडिशन का टाइम आ गया था हमारा अभी आ गया था एक दो दिन आ गया था तो उनका टाइम आ गया था तो नहीं नहीं सॉरी वो हमारे साथ उनका भी टाइम हमारे साथ ही यानी चार दिन के बाद हमारा ऑडिशन था अलग अलग लोगों के थे यानी 10 बैंड्स 20 बैंड्स तो हम जैसे आए बदनाम बैंड तो नहीं था नहीं बदनाम बैंड नहीं ठीक है चले बताए नहीं नहीं बिल्कुल हम ओज बैंड के टाइम पे ओज बैंड के थे सही सही तो हम जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में ये हुआ तो हम जैसे गुस्से सुकून जैसे इंडस्ट्री होती है पता ही नहीं है अंदर ऑडिशन कैसे कैसी वाइब है ऑडिशन की हमें साइड पे बुलाया गया हम एक बिल्कुल एक रूम था एक बड़ा सा रूम ग्रीन रूम जिसे कहते हैं ठीक है, है। वही बना हुआ था वहाँ वहाँ गए तो वहाँ एक अलग माहौल मिला एक अलग लड़के थे वहाँ तो हमसे पहले जिन लोगों का आ, कुछ ऑडिशन हुआ पता नहीं बहुत बहुत बॉयज वो हो गए ना उनको रिजेक्ट कर दिया गया अच्छा बहुत सारे बेल्स रिजेक्ट हो गए रिजेक्ट तो जिन्होंने हमें इज्जत दी ना वो मैं बता रहा था कि वो एक अच्छा ब्रांड था जो वहाँ हाउस पे था ना वो उनको भी उनको भी बोला भाई आप क्या यहाँ करने क्या हैं आप जाके अपने गाँव जाए आपको म्यूजिक आता ही नहीं है बिल्कुल ही हम सुन मैं उनको का उनको का मैं परेशान लड़के सुन सारे यानी सुकून प्रोग्राम था हमारे पास में एक यानी, यानी वो मैं वो एक साइड पे ऐसा ऐसे बंदे बैठे हैं अल्लाह माफ करे कोई कजिया वगैरह हो गया ऐसा माहौल लगा बड़ा था सो, एक, उनको देख के आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो जब इनकी इतनी कमाल की म्यूजिक इनको नहीं किया तो ये तो अलग ही लेवल चाह रहे हैं हमसे तो, तो मैं हमारा टाइम था अभी एक बैंड था उसके बाद इन्होंने बोला इतहाद बैंड तो मैंने लड़के परेशान हो गए ना मैं भी परेशान था मैं बाहर निकला मैंने ऐसे ऊपर देखा आसमान को मालिक कुछ कर ले अभी हाँ खुश हमारे मालकी कर अभी अच्छा वहाँ वो म, आ, मेरे बाल बल को अभी भी खड़े हो रहे हैं यही वाइब थी मैंने बोला अब तो कुछ कर मैंने इज्जत की मैंने बोला मालिक लापर वाले से मांगा हाँ। मैंने बोला अभी इज्जत रखवा मुझे कुछ भी नहीं पता तुम्हें इज्जत रखनी है ठीक है मैं आगे जाऊँ या ना जाऊँ मुझे मसला नहीं ठीक है पर अभी अभी यानी मैं भले रिजेक्ट हो जाऊँ पर ये अगर एक, जैसे एक, लोगों को मिले दूसरों को यानी उनको बोला कि आपको म्यूज़िक करना ही नहीं है आप क्या कर रहे हैं यानी ऐसे अगर आ, आ, वो, वो अगर ऐसा अगर बोल देते ना तो फिर मैं बिल्कुल हम म्यूज़िक नहीं कर सकते यानी हम नहीं कर पाते बिल्कुल तो हम एक यानी आंखों में हाँसू आ गए थे मुझे बिल्कुल ऐसी कैफियत एकदम से एक झटका लगा ये हकीकत बिल्कुल तो मैंने बॉयज को उन्होंने बोला इत्यादेन हाँ मैंने लड़कों को बोला वह कोई टेंशन नहीं लेना परफॉर्म करना है अपना बेस्ट देना है कुछ भी नहीं है परफॉर्म करके ही है।, है, है, पर। है भाई करना है, जिद में और हम फिर फिर मुझ में एक अलग सी एनर्जी आ गई उसके बाद बॉयज में भी आ गई उजरती हम ऐसे जल्दी में गुस्से यानी हमें जल्दी जाना है एक आता स्लो स्लो कंफ्यूज अब जब वो एनर्जी के साथ जैसे मैं गुस्सा तो एक यानी एक अलग वाइब एक यानी वो जो मेन स्टेज था ना जो ओ, जो ऑडिशन का हाँ ठीक है एक अलग या। जा, यार क्या चमक रहा था क्या यानी हाँ एक अलग वाइब थी उसके क्या एक्सपीरियंस था जब आपने ऐसे जजेस कौन कौन था उस टाइम जज कौन था मिशा शफी थे ठीक है फवाद खान ठीक है स्ट्रिंग्स के जो हाँ। फैसल कबाड़िया और दूसरा वो नाम नहीं आता सॉरी सही वो शुजा हाँ शुजा तो खैर हमें लीड्स लगाई तो हमने परफॉर्म वो आए एक तो ऐसे देख के परेशान हो गए ये बच्चे कहाँ से आ गए कौन ऑडियंस है नहीं नहीं ऑडियंस नहीं जजेस जजेस ये किसके बच्चे गुम हो गए या गए खैर हमने परफॉर्म किया मैंने वहाँ सिंधी किया बिल्कुल कौन सा वाला गाना आ, वो था एक शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की शायरी थी ठीक है एक सचिल सरमस्त की शेर तो दो गानों का आपको टाइम दिया उन्होंने हाँ। सही तो हमने वही दो किए मैंने मैंने यही कहा मुझे कोई नया नहीं करना कोई दूसरा कोई कमर्शियल कोई उर्दू थोड़ी काली काली जुल्फों मुझे करना ही नहीं है यानी ऐसे नहीं करना नहीं, मुझे हाँ मुझे वही करना सही तो और मैंने वही किया और वो परेशान हो गए और हम सिलेक्ट भी हो गए हाँ बिल्कुल हो गए टॉप

डांस करते निकले खुश होकर लोग परेशान जिनको रिजेक्ट कर दिया गया ठीक है उनको बोला गया वो खुद परेशान हो गए यार आप आप कैसे जीत गए खैर यही शिंदा यही जर्नी है बस ये तो हम नेक्स्ट टाइम जब हम गए जो, जो वहाँ वो रिजल्ट दिखाते हैं कि आप टॉप ट्वेल्व में आएंगे या नहीं वहां हम नहीं आए हम नहीं आ सके क्योंकि हमारे पास ड्रमर नहीं इस अच्छा स्टेज की बात ही चल रही है तो मुझे अपने स्टेज का ना एक वर्स्ट एक्सपीरियंस और एक अच्छा एक्सपीरियंस बताएं वर्स्ट एक्सपीरियंस ओ हो हो मुझे याद आएगा हाँ हमारा इवेंट uh, uh, था गम्बट में मैं शादी के इवेंट नहीं करता ना तो वो एक गैदरिंग किस टाइम के इवेंट्स मतलब कॉर्पोरेट शादी वाले प्राइवेट जो है ना मैं नहीं करता ठीक है सही है प्राइवेट जो भी इवेंट ठीक है सही हो गया तो ये एक सोर्स थी उसके सोर्स बेस पे मैं गया था सारे बॉयज गए थे हम गए थे यार किस चले, थे भी आ से भी भी आ आ गए गए ठीक ठीक है है हम गए थे वो थे नॉन मुस्लिम थे अच्छा हाँ, थोड़ा आइडिया हो रहा है ठीक है हाँ? तो हमने वहाँ परफॉर्म किया आपको बताया वहा सीन क्या हुआ हम घोर भी नहीं उठाते जो पैसे फेंकते ना वो हम रखते ही नहीं मना कर देते हैं आपको फेंकने भी नहीं है ठीक सही है वहा वो वाड़े थे वहाँ डीएसपी भी बैठा है एसपी भी बैठा है हमने बोला को मसला ही नहीं है वहाँ है, बड़े लोग बैठे अब क्या नहीं 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 थे। वो तो एकदम से सारे टन थे एक शराब ऐसे करके ऐसे पैसे ये वर्स्ट बिल्कुल बिल्कुल नाकाबले बर्दाश्त था मेरे लिए ऐसे बिल्कुल ऐसे स्पीड पे वो कड़क नोट होते हैं ना मुझे यहाँ लगे स्पीड में और यहाँ निशान हो गया क्यों यार ये ऐसे लोग ये समझते है कि जिसको हमने बुलाया है वो अब हमारे काबू में है उसकी आ, आप अगर किसी को बुला ये वही ना किसी को बुलाते हो तो रेस्पेक्ट देनी चाहिए नहीं, नहीं मुझे ऐसे उनको उनको नहीं पता कि हमारा हमारे साथ क्या उस टाइम चल रहा है उस टाइम कभी किसी का उस टाइम हौसला बिल्कुल वो हो जाता है खत्म हो जाता है कि अब नहीं करूँगा ही नहीं

ऐसे होते हैं ऐसे हर इवेंट में होते हैं जो आपका इवेंट खराब करना चाहते हैं ठीक है मैंने फिर भी बर्दाश्त किया तो खैर ये बड़ा खतरनाक और अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा तो अभी तो याद नहीं है कोई किसी लड़की ने कोई फूल दिया होगा कोई कुछ सुकून <laughs> प्रोग्राम है यार यहाँ <laughs> नहीं ऐसे नहीं है यार अच्छा एक्सपीरियंस ये था कि मैं यहाँ हैदराबाद में इवेंट था ताना नवा नवा के बाद बच्चे मुझसे सेल्फी यानी सारे बच्चे ए, एक एक बच्ची आई स्कूल में इवेंट था ना था, स्कूल के सारे बच्चे थे वो, तो वो आजकल के बच्चे से भाई ना पूछे इतने मतलब तेज हो गए कि मेरा छोटा भाई वो मुझे समझाता है कि भाई ये ऐसे करो ये करू सरकार आप जैसे बोलेंगे वो मुझे बताता है कि ये होता है अच्छा फिर अच्छा एक बच्ची आई ना एक ऐसे 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 जैन भाई जैन भाई जैन भाई, भाई जी जी बेटा जी, जी बता एक तस्वीर खिंच सही म, मैं एकदम से पीछे खड़ा था मैं एकदम से आ गया आया और मैंने उनसे मोबाइल लिया और मैंने तस्वीर खिंचवाई ठीक है मैं तस्वीर तो खिंचवा ली वो गई दौड़ते दौड़ते गई अपनी दोस्तों को देखा ये देख मैंने तस्वीर खिंचवा ली है अरे बड़ा हाफ एंड मोमेंट यानी वो फखर से बता रही है अपने दोस्तों को कि मैं आप हमारे तो ये, ये तो अच्छा, आपका फ्यूचर का क्या सीन है कि एक होता है ना आप अपने ही आ, स्टाइल को लेके जाएंगे आगे जिस तरीके से आप सिंधी गाना गाने बना रहे हैं एक होता है कि आप बिल्कुल कमर्शल में चले जाएंगे तो आप इन दोनों चीजों को किस तरीके से देखते हैं अपने आर्ट वाले गानों को जो है आप, आप खुद बनाते हैं एक्सपेरिमेंटल और एक जो कमर्शियल साइड है ठीक है तो आपको ज्यादा जो है ना अट्रैक्शन किस में होती है और क्या चाहते हैं कि अब मैं उस पर जाऊँ वो करूँ मैं ज़्यादा आपको मजा किस में आता है ठीक है अच्छा पहली बात तो ये है कि आपकी आप, आ, आप आ, कमर्शियली आपको करन, आ, करने होंगे आपका टेस्ट कोई भी नहीं सुनता बहुत लिमिटेड होते हैं ठीक है नहीं सॉरी वो मैं मे, वो मेरा ये सीन है ना मैं जो करता हूँ म्यूजिक वो एक अलग है एक उसकी अलग वाइब है मैं डार्क म्यूजिक पसंद करता हूँ ज्यादा ना सही तो ये कमर्शियल मैंने इसको कमर्शियल किया था ताना नवा नवा ये मैंने ऑडियंस के लिए यानी लोग सुने मज़े करें इसको सुन पर मुझे ज्यादा वो डार्क वाइब वाले वो, 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 वो इस एल्बम में भी इनशाला आएंगे बट ज़्यादातर मैंने वही ऑडियंस के लिए कुछ कमर्शियल भी तो सबसे

आप खुद करते हैं किसी से करवाते हैं और लिरिक्स तो आप कहते हैं कि कोई और भी लिखता है आप खुद भी लिखते हैं तो वो किस तरीके से आपका एक, हूं। एक होता है ना, कुछ लोग जाते ऑडियंस में जैसे आतिफ असलम ने अभी मैंने इसकी वीडियो देख रहा था उनका बड़ा अलग एक लेवल है आतिफ असलम तो वो कहते कि मैं रियाजत नहीं करता बिल्कुल भी वो कह रहे खुद कह रहे और कंपोजिशन uh, का सीन उनका इस तरीके से वो ऑडियंस से किशोर से वो जो है ना वो एक धुन दिमाग में रखते और घर आते हैं सुकून से बैठते हैं और उसको उस टाइम उसको जो है ना म्यूजिक का शेप देते हैं ये उनका क्रिएटिव प्रोसेस है क्या होता है इस तरीके से आपका क्या क्रिएटिव प्रोसेस है किस तरीके से आप दोस्तों के साथ बैठ के वो

पूरी पोइट्री पढ़ता हूँ फिर गिटार उठाता हूँ बस अपने हिसाब से फिर मैं पहले मैं बॉइस को सुनाता हूँ भाई ये सही है एग्री करते हैं तो फिर डन करते हैं मैं बस रिकॉर्डिंग का सीन ये है कि मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई ना वो ए, एक दिन में भी मैं फाइनल कर सकता हूँ रिकॉर्डिंग में एक जुनून होता है दिल को अच्छी और इसको जल्दी से मैं सुनूँ स्पीकर पे सुनू फिर वो दो तीन दिन तो मेरे हैंड फ्री लगी हुई थी उसकी वाइब लेता हूँ मजे से यही सीन है मेरा मेरा यही पुराना अच्छा अच्छा हाँ आ, सेन आपसे बड़ी बातें की बहुत अच्छा लगा और आप माशाल्लाह वायरल सेंसेशन लगे पड़े हैं तो आप कुछ ऐसा मैसेज देना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को और तो आप दे सकते हैं से लाए कुछ भी जो आपका दिल करे आप ऑडियंस को कहना चाहते हैं कि मेरे पेज को फॉलो करें लाइक करें सब्सक्राइब इस तरह भी दे सकते हैं आप मेरे पेज को फॉलो करें लाइक करें सब्सक्राइब करें और हमारे लिए भी तो एक मैसेज दे देना यार बहुत अच्छे बंदे हैं इनको भी फॉलो करें इनके पेज को भी फॉलो भाई भाई आप आप जैन खुद कह रहे हैं आपने आप करना करना है नहीं नहीं शेयर मिल्कुण, करना मिल्कुण, है शेयर बाकायदा से और थैंक यू सो मच जैन भाई आपने हमें टाइम दिया और आपसे बातें करने का और भी दिल चाह रहा है लेकिन वो टाइम के हिसाब से आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा मैं तो थैंक यू सो मच आपने हमें ज्वाइन किया बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके वेल well, uh, तो ये थी आज की पॉडकास्ट आई होप आपको पसंद आई होगी अब जल्द से जल्द इसको लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी और अमेजिंग आर्टिस्ट के साथ इनका पेज जो है वो लिंक शिंग सब नीचे दिया हुआ है एतिहात बैंड का जैन भाई का सबका वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह